यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज यानी 12 अक्टूबर को समाजवादी विजय यात्रा का आरंभ कर चुनावी शंख फूंक दिया है। इससे पहले लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनता से संवाद के लिए 12 अक्टूबर से समाजवादी विजय यात्रा निकालने की घोषणा की थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें रथ यात्रा निकालने का मौका मिला है और क्योंकि लोग बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए इस बार ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा होगी। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा, जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। सत्ता जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी की इस विजय यात्रा का आरंभ उत्तर प्रदेश में बदलाव और चुनावी अभियान का आगाज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विजय यात्रा जाजमाऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में समाप्त होगी। 2 दिन में यह यात्रा करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। विजय यात्रा के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को सामने लाया जाएगा। यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौर और हमीरपुर में की जाएगी। बीते मंगलवार को सपा की तरफ से इस विजय यात्रा से संबंधित पोस्टर जारी किए गए थे। इस पोस्टर में अखिलेश यादव के अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की तस्वीर थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पोस्टर में सपा के मुखिया और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की फोटो कहीं नजर नहीं आई। इसे लेकर अखिलेश यादव की जमकर आलोचना हुई। आलोचना के बाद बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अखिलेश मुलायम सिंह यादव के पैर छूते नजर आ रहे हैं।